नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। तो पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि पतंजलि फूड्स जो लिमिटेड कंपनी है तो इस कंपनी एक एडेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके साथ साथ कंपनी के एफएमसीजी प्रोडक्ट भी है। अगर इस कंपनी के सेक्टर वाइज के बारे में बात करो आप देख सकते हैं एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज से कंपनी बिलोंग करते हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार कंपनी ने वन स्टेप खुद के डेप को कम किया। मतलब कंपनी खुद के डेप को यहाँ पे मेजर किया, कम किए और अच्छा खासा यहाँ पे डेप को कम किया है। तो डेप जितना कम होगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो पतंजलि किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं, देखिए म्यूचुअल फंड क्या किया, खुद के शेयर को पूरा का पूरा बेच दिया। अभी एकदम नाक के बराबर होल्डिंग्स है, जीरो होल्डिंग आप बोल सकते हैं। मगर डीएस ने क्या किया, सॉरी एफएस ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाइंग किए और इसका जो टॉप लेवल है अभी जो हाईएस्ट लेवल है वो 10% के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला। 10.93% के आसपास यहाँ पे टोटल आपको होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से यहाँ पे एक होल्डिंग्स एफआईएस के माध्यम से उठाता हुआ देखने को मिले है। तो कंपनीज के ऊपर क्या सही में सब कुछ चल रहा है उसके लिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ तो पिछली बार का जो सेल्स था इस बार भी सेल्स अच्छा हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से इस बार नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। और कम हुआ एक आपको कहाँ पे मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीजों को कि कंपनी का जो ग्रोथ है आरओई में थोड़ा सा चेंजेस नहीं बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। जो एक टाइम कंपनी के आरओई पांच मतलब 5 ईयर्स में 53% हुआ करता था वो करंट ईयर में 9% हो चुके, मतलब बहुत बड़ा एक प्रेशराइज देखने को मिला। नेट प्रॉफिट भी 13% हुआ करता था 5 साल में, आज वो सिर्फ 3% के आसपास है। और आरओसी वहां पे एक पॉजिटिविटी है, अभी भी जितना परसेंट था उतना परसेंटेज है, डेप्थ बहुत कम है। मतलब पहले तो पॉइंट्स बहुत वीकनेस है जो पॉइंट्स पॉजिटिव होना चाहिए था और इसी वीकनेस के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अगर मैं यही चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं तो देखिए कंपनी के ऊपर एक कप हुई धरने पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद उतना ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे वॉल्यूम नहीं हो रहा है, इस तरीके से वॉल्यूम करके ब्रेकआउट किया अभी देखिए उतना ज्यादा तेजी से वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ वो रेंज टारगेट कंपनी देने के लिए बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव प्रेशराइज देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इसका टॉप लेवल में और कोई लेवल्स नहीं है, हायर लेवल में कोई भी लेवल्स नहीं है। इसका मतलब वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ और देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा टारगेट मुझे मिल सकता है। अगर टारगेट मिले तो करीबन 2000 के लेवल्स में यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है और 41% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उससे पहले पतंजलि के ऊपर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो लोग सोच रहे कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कम होल्डिंग रखे है तो मैं क्या करूँ उसके लिए मैं एक चीज बैलेंस शीट में दिखा दूँ। देखिए कंपनी के रिजर्व एकदम 2000 करोड़ से 10000 करोड़ बन चुके हैं और बोरिंग्स एक टाइम कंपनी के पास 5 से 7 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिला था, आज वो बोरिंग घट के हो चुके 1200 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल कंपनी का सिचुएशन देखने को मिला। और बाकी कंपनीज के ऊपर सब कुछ आपको देखने को मिला है ठीक ठाक। जैसे कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, इस बार भी हाईस्ट ट्रेड रिसीव हुआ जो पहले 250-300 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अभी चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन सा है। और नेक्स्ट कंपनी के नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी ग्रुप की एक बहुत बड़ा कंपनी है जो है अदानी पावर। इस कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो अदानी पावर अदानी ग्रीन के बाद फोर्थ लार्जेस्ट, इस सेक्टर का फोर्थ लार्जेस्ट पावर जनरेट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो अदानी पावर जिस तरीके से टारगेट लेकर चल रहा है बहुत बड़ा फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है। जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी पावर एक बिग फॉल देखने को मिला था उसके लिए बता दूं अदानी पावर के अंदर कुछ भी उतना ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं था, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूं तो अगर कंपनी बेकार होता जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आया था
तो इस कंपनी का हालत ही कुछ बिगड़ चुके थे। तो सारे शेयर, इस कंपनी के सारे शेयर लगातार गिर रहे थे। और फिर से देखिए, अदानी अगर अच्छे कंपनी नहीं होता तो आज इतना बड़ा लंबा जर्नी देखने को नहीं मिलता। तो आप देखेंगे सेल्स, किस तरीके से सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिले। और पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हाँ, मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए, मगर पिछले ईयर बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, अगर कंपनी बेकार होता, मान ही लेता हूँ कंपनी बेकार है, तो म्यूचुअल फंड को छोड़ दीजिए, FIS इतना बड़ा क्वांटिटी ऐड नहीं करता, क्योंकि बाहर की कंट्री से ही हिंडनबर्ग के माध्यम से रिपोर्ट आया था और बिग क्रैश देखने को मिला था, और वही बाहर की इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग कर रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर होल्डिंग भी है, उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर यहाँ पे प्लेजिंग भी है। प्रोमोटर के पास 15% के आसपास प्लेजिंग है। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि 15% के ऊपर, 15 से 20% के ऊपर अगर प्लेजिंग है किसी कंपनी के ऊपर तो उस कंपनी से दूर रहना, मगर यहाँ पे तो प्लेजिंग ठीक ठाक ही है। खुद के बिजनेस को प्लेजिंग करके कंपनी फंडिंग उठा रहा है, उस फंडिंग से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो कहने का मतलब है अदानी पावर्स के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो लगातार हाई ग्रोथेबल सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिला। अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब जेनरेट करने में कंपनी 4% के आसपास मार्केट शेयर लेकर चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का ROE देखिए कितना शानदार तरीके से ROE देखने को मिला लास्ट ईयर में, 3 सालों में और 5 सालों में। और रिटर्न भी देखिए, कंपनी नेट प्रॉफिट जो कमाया, आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिट बेकार है, बिल्कुल नहीं, कंपनी 27% के आसपास नेट प्रॉफिट को जेनरेट किया और 3 साल में 16% के आसपास। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो 12 से 16% तक रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिले। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो डेप्थ एकदम देखा जाए तो ना के बराबर है, ना के बराबर नहीं कहूंगा, कंपनी के डेप्थ बहुत पहले ज्यादा था, 2.67 के आसपास, अभी 1.41% है। डेप्थ ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, मगर पिछले 3 साल के कंपेरिजन में डेप्थ बहुत कम हुआ, एक अच्छी बात है कंपनीज के लिए। बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब भी एक एंट्री बना था तब मैंने आपके साथ शेयर किया, एक लंबा सा जर्नी बना, एक कब हुई थे पैटर्न्स बना, तो कब बना उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बुरी तरीके से इसके ऊपर पिटाई हुआ था और यहाँ पे स्ट्रांगली एक इस कंपनी के सपोर्ट मिला, उसके बाद वहाँ से रीबैक किया और शानदार तरीके से एक धमाका किया। धमाका करने के बाद यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बना है और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट कुछ इस तरीके से लेके चलूंगा, 66% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है मुझे। और बीच में और एक ट्रेड भी बना है, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना और उस रेंज को जब भी इस नीचे लेवल के टच करेंगे तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ और यहाँ पे एक टारगेट बन सकता है टॉप लेवल तक। तो मुझे नहीं लग रहा वो आसान तरीके से वो इस लेवल को टच करेंगे, उससे पहले ही मुझे लग रहा है वो मेरा जो प्रीवियस एंट्री था उस लेवल का टारगेट बन सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो मेरा एक पसंदीदा कंपनी है जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए केमिकल सेक्टर के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि केमिकल कंपनी बेकार हो चुके हैं और केमिकल कंपनी लगातार गिर रहे हैं तो कंपनी का बिजनेस खराब हो जाएगा, कंपनी बेकार हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और हाई लेवल में ग्रोथ देखने को मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक चीज़ का ध्यान देना, कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी बेकार है उसके लिए बता दूं, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखिए, कंपनी के सेल्स कम हुआ मगर पिछले बार के तुलना से इस बार सेल्स बढ़ चुके हैं, मतलब जो इसका डिमांड कम हो गया था वो डिमांड धीरे धीरे करके फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो पिछले बार के तुलना से इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। इसी बेसिस में अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यू कर रहा है और FIS भी कंटिन्यू कर रहा है। और उसी के हिसाब से कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था। अगर मैं टॉप लेवल से देखूँ तो एक बड़ा सा लंबा सा एक फॉल देखने को मिला, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक कप बना उसके बाद हैंडल बना और मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे नीचे भी आया, तो उससे पहले मैं इंतजार करूंगा। यहाँ पे एक रेंज बना है, एक बाइंग रेंज बना है जो 20% के ऊपर है, इस बाइंग रेंज को जब भी टच करेंगे तब एक शानदार तरीके से एंट्री बन सकता है।
तो मैं इसके लिए इंतजार करूंगा जब कोई रेंज बने, नीचे लेवल तक आकर रेंज बने तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है DRC सिस्टम्स लिमिटेड। तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 290 के आसपास देखने को मिले। अब इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी 27 तारीख को हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।